सैकड़ों साल से इंतजार कर रहे राम भक्तों की इंतजार की सीमा खत्म होने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। लंबे समय बाद ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिससे वो ये समझ पाए कि भगवान राम का मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का राम मंदिर और करोड़ों राम भक्तों के सपनों का राम मंदिर तेजी के साथ बन रहा है, और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ चल रहा है निर्माण कार्य। यानी जो इंतजार राम भक्तों का बहुत जल्द खत्म होने की तरफ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ चल रहा है काम और लंबे समय बाद ये तस्वीरें आपके सामने, ताकि आप ये समझ पाए कि भगवान राम का मंदिर जल्द बनकर तैयार होगा और कितनी तेजी के साथ, कितनी गति के साथ काम जोरों पर चल रहा है। तो दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी बाईं तरफ ये है मंदिर का फुटप्रिंट है, जहां पे रामलला भगवान का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हम लोग जो लेवल पे खड़े हैं, भैया नीचे आ कर लो, इसी लेवल पे यहाँ से खुदाई चालू हुआ था और इसी लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5 मई 2020 को, 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे पूजा किया था, भूमि पूजा। इस वक्त हम राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। दिसंबर 2023 तक चंपत राय ने कहा कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, राम लला के दर्शन होने लगेंगे। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे, और आपको एक पीला झंडा ओम का दिखाई दे रहा है। अगर हमारे दाहिने तरफ देखें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था, तो ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, जो मशीनरी है वो आपको दिखाई दे सकती है। यही वो लेयर है जो 48 लेयर बनकर तैयार होगी और लगभग इतनी ही लेयर और बननी है। यानी करोड़ों राम भक्त, अरबों राम भक्त जो पूरी दुनिया में है, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 ला रहा है कि ये वो इलाका है जिसे 48 लेयर में तैयार किया गया और बाद में यहीं पर राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो बनेगा, गगनचुंबी मंदिर बनेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो लाल झंडा दिख रहा है उसी जगह पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बकायदा 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था और पूजन किया था, अर्चना की थी, और उसके एक साल बाद अगर आप ये तस्वीरें देखें तो काफ़ी कुछ बनकर तैयार हो गया। 67 एकड़ के इलाके में जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि राम भक्त जो लगातार इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, 500 साल बाद उन्हें अपने भगवान की जो आराध्य हैं, अपने राम भगवान राम लला विराजमान, वो गर्भगृह में मौजूद हो जाएंगे, यानी वो विराजमान हो जाएंगे, वो दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे दिसंबर 2023। बुलेटिन अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या, राम जन्मभूमि।